हमारा देश और समाज 3000 वर्षों से संघर्षरत था। 2500 वर्ष पूर्व पारसीज के आक्रमण हुए थे, 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक लोगों के आक्रमण हुए, 2000 साल पहले शकों के आक्रमण हुए, फिर हूनों के आक्रमण हुए, इस्लाम के आक्रमण हुए, बाद में पुर्तगीज भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, अंग्रेज भी आए। इतने बाह्य आक्रमण से लड़ने वाला हमारा देश था और 2500-3000 वर्षों तक लगातार यह देश संघर्ष किया। इतने लंबे संघर्ष में बहुत बार विजय भी मिली, बहुत बार पराधीनता भी मिली। पराजित समाज धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। पराजित समाज अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे संशोधन करता है, बहुत सारी दीवारें खड़ी करता है, बहुत सारी अच्छी मान्यताओं को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है, बहुत सारी ऐसी परंपराओं को पा लेता है, पकड़ लेता है जो उसके मूल स्वभाव से विपरीत है, ये किसी भी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयत्न करता है। और इसी में से बार बार कुरीतियां आती हैं, ढोंग आते हैं, पाखंड आते हैं। 2500 वर्षों का हमारा संघर्ष का इतिहास बड़ा विचित्र है। इस धरती पर कोई समाज इतना लंबा संघर्ष नहीं लड़ा और कोई समाज 2500 वर्ष के संघर्ष के बाद जीवित भी नहीं रहा। हमारा समाज जीवित रहा। अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियां, ढोंग, पाखंड और विषमताएं समाज में आ गईं जो अनावश्यक थी। अच्छी बात यही थी कि बार बार समाज में कोई न कोई महापुरुष ऐसा खड़ा होता था जो समाज को परिष्कृत करने के लिए प्रयत्न करता था, समाज में शोधन करता था, समाज को फिर से अपनी मौलिक परंपराओं पर ला करके बांधता था। और इसलिए हमारा देश कभी भी कुरीतियों को नीति और सिद्धांत नहीं मानता, हमेशा उनके शोधन के लिए, उनके परिष्कार के लिए, समाज को उनसे दूर करने के लिए प्रयत्न करता है और फिर से समाज को अपने मौलिक दर्शन के, सिद्धांत के खूंटे पर ला करके बांध देता है। डॉक्टर अंबेडकर जी उन महापुरुषों में से है जो समाज के शोधन पर निकले। समाज में आगे किसी भी प्रकार की कुरीति थी, ढोंग था, पाखंड था, विकृतियां थी, विषमताएं थी, उन सब को दूर करके एक अच्छा निर्मल समाज बन जाए, सब दोषों से मुक्त समाज बन जाए, ऐसा काम डॉक्टर साहब ने अपने कंधे पर लिया।